9 प्लस मीडिया प्रेजेंट नशा मुक्त हिमाचल वॉइस ऑफ कुल्लू पावर्ड बाय हेवन इंडिया प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ग्रीन हिल्स कंज्यूमर केयर प्राइवेट लिमिटेड को स्पॉन्सर्ड बाय हेवन यूनिसेक्स सैलून एंड स्पा अखाड़ा बाजार कुल्लू नागचला बर्तन स्टोर द हॉलीडे रिजॉर्ट्स Cottages and Spa, Devdham Restaurant, Prasoon Orchard Enterprises, Christian Nursing School, Bug Fashion. Voice of Kulloon, ye mera zamana hai. Voice of Kulloon, voice of Kulloon. Soch ki single ko tod ke bhaga main daud ke jungle jahan bahut se dana hai maut se na daru bolte pagal hai bahut se rapper par mujhse na power hai. Haadon pe hai sur ka sarkam koyal bhi karti hai kuku. नशा मुक्त हिमाचल वॉइस ऑफ कुल्लू मेगा राउंड में इस वक्त हम हैं ढालपुर कुल्लू मैदान में और सभी कंटेस्टेंट हमारे साथ हैं। आज है फोक राउंड, मतलब जितने भी कंटेस्टेंट फोक राउंड में प्रतिभागिता दर्ज करवा रहे हैं उनमें से सिर्फ 20 कंटेस्टेंट आज जाने वाले हैं टीवी राउंड के लिए। कौन होगा वो जो जाएगा टीवी राउंड में और पाएगा हिमाचली टोपी? आइए जानते हैं। आर यू एक्साइटेड गाइस? ओके, तो इनकी एनर्जी देखते ही बनती है, लेकिन यही एनर्जी हमें चाहिए। जजेस के सामने प्रेशर बहुत ज़्यादा होने वाला है क्योंकि आज जजमेंट पे होंगे महागुरु वॉइस ऑफ कुल्लू और हिमाचल प्रदेश के ज़बरदस्त म्यूज़िक डायरेक्टर SD कश्यप जी, और उनके सामने बड़े बड़ों की बोलती बंद हो जाती है और अब बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। क्या वाकई दम है आज के कंटेस्टेंट में? टॉप 20 जो होंगे उनकी आवाज़ में कितना दम होगा क्योंकि गाने ऑलरेडी सेलेक्ट किए जा चुके हैं। फोक राउंड के कंटेस्टेंट से हम बात कर रहे हैं, मेगा राउंड यहां पर होने वाला है और लगभग 80 से ज़्यादा कंटेस्टेंट हैं फोक राउंड में, जिसमें से कि टॉप 20 मतलब 20 कंटेस्टेंट यहां से चुने जाएंगे जो जाएंगे टीवी राउंड के लिए। आइए बात करते हैं, आप बताएं आप कहां से हैं और आज के लिए क्या तैयारियां हैं? मैं सेंस हूं और मैंने ऑडिशन के लिए बहुत सारी तैयारी की है, शायद मैं सिलेक्ट हो जाऊं। ओके, छोटा सा बच्चा है लेकिन इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस कि मैं सेलेक्ट हो जाऊंगी। एक बार क्लैपिंग हो जाए सर छोटे से बच्चे के लिए। थैंक यू। ओके, आप बताएं आप कहां से हैं और क्या तैयारियां करके आए हैं आज? सर मेरा नाम उषा है, मैं थरमान गांव से हूं। मैंने एक सॉन्ग तैयार किया है जिसे मुझे लगता है मैं सेलेक्ट हो जाऊँगी। तो बहुत मुश्किल ये कंपटीशन होने वाला है क्योंकि पूरे ज़िला कुल्लू के लगभग 8 ऑडिशन वेन्यूज़ पे ऑडिशन हुए थे और उसमें से ये जो कंटेस्टेंट है फोक राउंड के लिए सेलेक्ट किए गए हैं। लगभग 80 से ज़्यादा कंटेस्टेंट है जो प्रतिभागिता दर्ज करेंगे मेगा राउंड में और 20 कंटेस्टेंट को सिर्फ टिकट मिलेगा अब टीवी राउंड का। कौन होंगे वो 20 ये जानते हैं हम और कुछ और कंटेस्टेंट से बात करने वाले हैं। सर अगर हम मतलब कि पहले उस राउंड में यहाँ पर सेलेक्ट हो गया आए तो हमारी ठीक की तैयारी है ना इस राउंड के लिए? ये तो बहुत ज़बरदस्त जवाब था कि अगर हम पहले सेलेक्ट किए जा चुके हैं तो मतलब ठीक ही होगी तैयारियां। ऑल द वेरी बेस्ट आपको और वाकई ठीक तैयारियां होनी चाहिए ताकि आप सेलेक्ट हो जाए। वो ऐसा ही जज्बा चाहिए और वाकई जो वॉइस ऑफ कुल्लू बनेगा उसमें इसी तरह का हुनर और इसी तरह का दमखम चाहिए ताकि आगे बहुत सारे चैलेंजेस को वो फेस कर पाएँ। आप आ जाइए ज़रा, आप बताएँ आपकी क्या तैयारियाँ? मेरा नाम सोनी ठाकुर है और मैं मॉल से हूँ। मैंने बहुत सारी तैयारी की ताकि मैं इसमें सेलेक्ट हो सकूँ। ओके, आप बताएं आपकी क्या तैयारियां हैं? मेरा नाम श्रुति है, मैं कटराइन से हूँ। मैंने तैयारी की है, मुझे लगता है मैं हो सकती हूँ सिलेक्ट। ओके, आप बताएं? मेरा नाम ममता है, मैं नगर से आई हूँ और की है तैयारियां ठीक ही। सर की मर्जी है सिलेक्ट करना तो कीजिए करना। ओके, ये एक और इंटरेस्टिंग जवाब कि सर की मर्जी है सेलेक्ट करना है या नहीं करना है, हमने तो तैयारियां कर रखी है तो अपनी ओर से तैयारी होनी चाहिए। वाकई बाकी मर्जी वहां पर है और अगर आप अच्छा करते हैं तो मर्जी सिर्फ आपकी चलेगी क्योंकि आपने अपनी मर्जी से बहुत ज़बरदस्त तैयारियाँ की होंगी। चलिए आप बताएँ कैसी तैयारियाँ? मेरी तैयारी ठीक है और मैं चाहती हूँ कि मैं सेलेक्ट हो जाऊँ और मैं पूरी कोशिश करूँगी। ओके ओके ओके, आप बताएँ? मेरा नाम संतोष कुमार, मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, मैं सोच चाहता हूँ कि हमें भी सिलेक्ट हो जाए इस। सर दिल से तैयारी की है तो सिलेक्ट ज़रूरी होंगे। मेगा राउंड के लिए सिलेक्ट हुए कंटेस्टेंट से हम अभी बात कर रहे हैं और सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। एक बार अपने मेगा राउंड का टिकट दिखा दीजिए सब लोग ज़रा। ये है वो टिकट जो इनको मिला है ऑडिशन से मेगा राउंड के लिए और अब एक और टिकट मिलने वाला है, वो होगी हिमाचली टोपी। जिन 20 कंटेस्टेंट को मिलेगी हिमाचली टोपी वो जाएंगे टीवी राउंड के लिए और वहां धमाल होगा और हिमाचली नाटियों के साथ पूरा हिमाचल हमारे साथ झूमेगा। 9 प्लस चैनल की ओर से नशा मुक्त हिमाचल वॉइस ऑफ कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहला टीवी रियलिटी शो जो कि टीवी चैनल और यूट्यूब के माध्यम से पूरी दुनिया देखने वाली है और मेगा राउंड आज होने वाला
वाला है, फोक राउंड होने वाला है, जिसमें से कि 20 प्रतिभागी चुने जाएंगे टीवी राउंड के लिए। एक बार क्योंकि नशे को समाप्त करने के लिए मुहिम छेड़ी गई है कुल्लू में, एक बार सभी कुल्लू के कंटेस्टेंट नशा मुक्त हिमाचल वॉइस ऑफ कुल्लू का जो स्लोगन है ये मेरे साथ दोहराएंगे। चलिए, गेट सेट रेडी, 1 2 3 स्टार। नशा मुक्त हिमाचल वॉइस ऑफ कुल्लू। नशा मुक्त हिमाचल वॉइस ऑफ कुल्लू मेगा राउंड में आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन है। और एक बार मेगा राउंड के लिए सभी लोगों की ओर से, सभी कंटेस्टेंट की ओर से जोरदार क्लैपिंग के साथ हम शुरू करने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश का पहला टीवी सिंगिंग रियलिटी शो, जो टीवी चैनल्स और यूट्यूब के माध्यम से पूरी दुनिया देख रही है और ढेर सारा प्यार मिला है। अभी हमारे 8 ऑडिशन वेन्यू पे जो ऑडिशंस हुए हैं, यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारा प्यार मिला है 9+ चैनल को, आप सभी लोगों को पूरी दुनिया ने देखा है। तो बहुत बड़े गर्व की ये बात है कि जिला कुल्लू का ये शो है और पूरी दुनिया में आपको लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। तो आइए, अब मुश्किल घड़ी है क्योंकि आज मेगा राउंड है, जो कंटेस्टेंट फोक में मतलब पहाड़ी गानों में जिन्होंने अपनी प्रतिभागिता दर्ज करवाई है उन कंटेस्टेंट में से इस मंच पर चयन होगा टीवी राउंड के कंटेस्टेंट का। मतलब सिर्फ 20 कंटेस्टेंट यहां से जाएंगे जो कुल्लू की टोपी लेकर, वो डायरेक्ट उनकी एंट्री होगी टीवी राउंड के लिए। और आप सब लोगों में से सभी में वो दमखम है, इसीलिए सभी लोग यहाँ पर हैं। आर यू एक्साइटेड? ओके, अभी यहाँ से ज्यादा आवाज आ रही है, यहाँ से बहुत कम है, यहाँ वाले एक्साइटेड नहीं है, मुझे लगता है पेरेंट्स ज्यादा है यहाँ पर। यहाँ वाले एक्साइटेड हैं?
ओके तो ऐसी एक्साइटमेंट चाहिए क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल आज होने वाला है। जिला कुल्लू के 8 ऑडिशन वेन्यू से अब आपका कंपटीशन है, मतलब लगभग 80 से ज्यादा जो प्रतिभागी है उनके बीच से 20 कंटेस्टेंट चुने जाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं हमारे बीच आज के इस मेगा राउंड के मुख्य अतिथि महोदय हमारे बीच पहुंच चुके हैं। आप सभी लोगों की जानकारी के लिए बता दूं हमारे बीच है एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मिस्टर हकीकत धांडा जी। एक बार जोरदार ताली से स्वागत अभिनंदन करें। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। आपका आशीर्वाद सभी कंटेस्टेंट के लिए आज बहुमूल्य रहने वाला है और सीरियसली आप सभी लोग बहुत भाग्यशाली है कि कार्यक्रम की शुरुआत ही इतनी धमाकेदार होने वाली है। आप सभी लोगों को मजा आने वाला है और साथ ही साथ हमारे बीच हिमाचल प्रदेश की एक जानी मानी हस्ती जिन्हें सिर्फ हिमाचल नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है। हिमाचल प्रदेश को उन्होंने मुंबई में जाकर गौरवान्वित किया है, बहुत सारी फिल्म्स में बैकग्राउंड म्यूजिक और साथ ही साथ हिमाचल इंडस्ट्री में गुरु तुल्य इन्हें कहा जाता है। जोरदार ताली हो जाए महागुरु श्री SD कश्यप जी हमारे बीच है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। आप सब लोगों से अपना अगर अनुभव साझा करूं तो मेरा भी ये पहला अनुभव है कि मैं सर के सामने बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से हूं। आज तक मैंने इनको टीवी चैनल्स या कैसेट्स की कवर्स में फोटोग्राफ्स में देखा, मेरी इच्छा थी। थैंक यू सो मच सर। और सीरियसली मैं जब सर आए तो इनके पैर मैंने छुए, मैं जब मिला तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि मैं पहली बार मिला हूँ। इन्होंने बिल्कुल प्यार से कहा और बेटा ठीक ठाक, मुझे लगा हाँ मुझे जानते हैं। तो बहुत मजा आने वाला है क्योंकि इतने अच्छे गुरु के सामने आप यहाँ पर प्रतिभागित अपनी दर्ज कर रहे हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। और साथ ही साथ हमारे बीच यहाँ पर जो आप सभी लोगों को ट्रेंड करेंगे, हमारे बीच यहाँ पर जो गुरु की और भूमिका निभाएंगे, आप सब लोगों को तराशने का काम करेंगे, हिमाचल प्रदेश के एक और ऐसे ही कलाकार है जिन्होंने विश्व स्तरीय पहचान दिलाई है। एक नहीं दो नहीं बल्कि 10 से 15 बार हिमाचल प्रदेश को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई है, अपनी लोक संस्कृति को विश्व भर तक पहुंचाया है। बहुगुणीय प्रतिमा के धनी, एक बार जोरदार ताली हो जाए पंडित विद्या सागर जी के लिए। थैंक यू सो मच सर। और साथ ही साथ एक ऐसा नाम जिनकी वजह से ये पूरा इवेंट हो रहा है, इससे पहले पिछले सेशन में बेटी है अनमोल डांस कुल्लू डांस का यहाँ पर कंपटीशन हुआ था और उसके भी अभी फाइनल होना है सर। और लगभग 600 से ज्यादा कंटेस्टेंट जिन्होंने प्रतिभागिता दर्ज करवाई थी, टॉप 8 कंटेस्टेंट पहुंच चुके हैं ग्रैंड फिनाले के लिए। और ये निर्णय लिया गया है कि ग्रैंड फिनाले ग्रेट ग्रैंड फिनाले होने वाला है क्योंकि वॉइस ऑफ कुल्लू और डांस कुल्लू डांस का फिनाले एक ही मंच पर एक साथ होने वाला है। तो ये बहुत गर्व की बात, एक बार जोरदार तालियां दोनों ही कॉम्पिटिशन के लिए। इसके पीछे एक शख्स जिनकी अकेली की मेहनत ये है लेकिन पूरी टीम को वो साथ लेकर चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में इनको भी अलग नाम से जाना जाता है, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की बहुत सारी एड फिल्म्स, बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में 1000 से ज्यादा वीडियो सॉन्ग्स का फिल्मांकन कर चुके हैं, निर्देशन कर चुके हैं। वॉइस ऑफ कुल्लू डांस ऑफ कुल्लू 9+ चैनल के ये डायरेक्टर हैं। जोरदार तालियां राम चौहान जी के लिए। थैंक यू सो मच। ये बेसिकली ये वन मैन आर्मी है, हम सभी लोग बस छोटी छोटी आहुति इसमें देते हैं जो ये काम कहते हैं, नहीं तो सारा जो ये सेट लगा है, एक एक छोटी छोटी चीज, कैमरा में आवाज आ रही है नहीं, कैमरा की लाइट ऑन है या नहीं, छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी ग्रैंड फिनाले तक की चीजें ये खुद देखते हैं, इसके लिए बधाई के पात्र है। एक आदमी में इतनी एनर्जी होना मैंने आज तक नहीं देखा, तो थैंक यू, हैट्स ऑफ, एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच सर। और साथ ही साथ हमारे सामने आप सभी लोगों के बीच 8 ऑडिशन वेन्यूज में आप सभी लोगों में से टैलेंट चुनकर यहां पर लाए हैं। फिलहाल एक पते के बाद आज बताना जरूरी है कि जजेस ने बहुत सॉफ्ट कॉर्नर सबके लिए रखा था और वो चाहते थे कि इस मंच पर इतनी बड़ी बड़ी महान विभूतियों के सामने आप सभी लोग प्रस्तुति दें, इसलिए लगभग सभी कंटेस्टेंट को ऑडिशन से चयनित किया गया है इस प्रतियोगिता के लिए। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग शायद ये कह रहे हो कि बहुत सारे लोगों ने अच्छा नहीं गाया लेकिन वो भी सेलेक्ट हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा गाया उनको कमेंट्स अच्छे नहीं मिले, वो सिर्फ इसलिए कि ये मंच आपको दिखाना था क्योंकि मेगा राउंड के बाद टीवी राउंड शुरू होगा जो कि बहुत बड़ा होने वाला है। 80-90 कंटेस्टेंट में से 20 कंटेस्टेंट चुने जाएंगे, वो पूरा कार्य जिन्होंने किया है वो अपने आप में महान विभूतियां हैं। हिमाचल प्रदेश के पहले वॉइस ऑफ हिमालयस के खिताब से नवाजित, ये भी बहुगुणीय प्रतिभा के धनी हैं, एक्टर हैं, मॉडल हैं, सिंगर हैं, हर तरह के गाने ये गाते हैं और साथ ही साथ अब वॉइस ऑफ कुल्लू के आपके जज हैं, आपके मास्टर हैं। जोरदार तालियां मिस्टर रमेश ठाकुर के लिए। थैंक यू सो मच सर। और साथ ही साथ ज्यादा नहीं कहूंगा, एक गाने से
पूरे हिमाचल प्रदेश ने इनको परिभाषित किया है, मीठा बड़ा लागदा मेरी जुरी है। आज हालांकि हजारों कलाकार गा रहे हैं, लेकिन ये गाना जिसकी देन है वो हमारे समक्ष है सर एस डी कश्यप जी और आपके जो मास्टर हैं, आज एक जबरदस्त म्यूजिक डायरेक्टर हैं और साथ ही साथ अपना इनका बिजनेस है, उसके अलावा बहुत जबरदस्त पर्सनैलिटी, बहुत प्यारे से इंसान है। जब भी मैं आता हूँ हमेशा एक छोटी सी जादू की चप्पी और एक पप्पी मुझे यहाँ पे मिलती है इनसे। थैंक यू सो मच, एक बार कपिल शर्मा जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ और हमारे बीच यहाँ पर मौजूद है एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के साथ हमारे बीच शिरकत किए हुए स्टैनो मिस्टर अनिल ठाकुर जी मौजूद हैं। सर स्वागत अभिनंदन, एक बार जोरदार तालियों से सर का स्वागत अभिनंदन करें। साथ ही साथ डांस कुल्लू डांस जो प्रतियोगिता हुई थी उसके मास्टर जी हमारे बीच है, जो कि हिमाचल को गौरवान्वित कर चुके हैं मुंबई में और इंडियाज गॉट टैलेंट जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर इन्होंने हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया है। साथ ही साथ डांस हिमाचल डांस के ये विनर रह चुके हैं और हिमाचल गॉट टैलेंट के भी ये विनर रह चुके हैं। डी पायरेट्स डांस क्रू के ये संयोजक है, एक बार जोरदार तालियां मास्टर सूरज मास्टर नीतीश के लिए। थैंक यू सो मच। और इसके अलावा हमारे बीच यहाँ पर 9+ मीडिया से अजय ठाकुर जी मौजूद है। थैंक यू सर, स्वागत अभिनंदन और सभी पेरेंट्स का, सभी कंटेस्टेंट का इस मंच पर मेगा राउंड में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि अब शुरू होने वाला है। ये बातें थोड़ा ज्यादा थी लेकिन जरूरी थी, क्योंकि इसके बाद सिर्फ गाने का काम होना है और बिना किसी विलंब के अतिथि देवो भवा की ये प्यारी सी परंपरा को इस मंच से हम प्रारंभ करने वाले हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ 9+ मीडिया और वॉइस ऑफ कुल्लू के डायरेक्टर राम चौहान जी के मुख्य अतिथि महोदय श्री हकीकत ढांडा जी को मंच तक लेकर आए प्लीज। चलिए जी, मेगा राउंड में शुरू करते हैं अतिथि देवो भवा की प्यारी सी प्रथा की। हर ऑडिशन वेन्यू पर हमारे बीच कोई ना कोई मेहमान थे, लेकिन आज बहुत बड़ा अवसर हमारे लिए, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हमारे बीच है श्री हकीकत ढांडा जी, और मैं जरूर चाहूंगा एक बार सभी कंटेस्टेंट की ओर से यहां पर उपस्थित सभी लोगों की ओर से जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन। थैंक यू सो मच सर। 9+ मीडिया और वॉइस ऑफ कुल्लू की टीम की ओर से मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत अभिनंदन। हिमाचली टोपी के साथ, हिमाचल प्रदेश की शान हिमाचली टोपी के साथ, और साथ ही साथ एक प्यारी सी भेंट मुख्य अतिथि महोदय को 9+ चैनल और वॉइस ऑफ कुल्लू की टीम की ओर से एक प्यारा सा स्मृति चिन्ह सर आपके लिए, जो हमेशा वॉइस ऑफ कुल्लू की आपको याद दिलाता रहेगा और आपका आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर सभी कंटेस्टेंट आए हैं। सीरियसली बहुत बड़े आप लकी, बहुत ज्यादा आप लकी हैं कि सर यहाँ पर हैं, आप सब लोगों को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। थैंक यू सो मच। और इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे बीच इस प्रतियोगिता के महागुरु और हिमाचल प्रदेश के सभी बड़ी बड़ी हस्तियों के गुरु श्री एस डी कश्यप जी मौजूद हैं। मैं चाहता हूं सर प्लीज आप मंच पर आएं और यहां पर 9+ मीडिया की ओर से एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। थैंक यू सो मच सर। वॉइस ऑफ कुल्लू की टीम और 9+ मीडिया की ओर से अब सर को हम सम्मानित करना चाहते हैं मेगा राउंड में, और पहली बार इस प्रतियोगिता में मंच पर सर हमारे साथ है तो और भी ज्यादा गौरवान्वित कर देने वाला ये विषय। और हिमाचली टोपी के साथ मुख्य अतिथि महोदय एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं एसडी कश्यप सर का। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारा आशीर्वाद और ढेर सारी इंस्पिरेशन आपको मिलने वाली है। थैंक यू सो मच सर। और इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा पंडित विद्यासागर जी हमारे बीच हैं, जो कि सिंगिंग गुरु है आप सभी लोगों के, और इनके बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है। मैं पहले जिक्र कर रहा था बहुगुणीय प्रतिभा के धनी हैं आप, डांसिंग से लेकर सिंगिंग से लेकर हिमाचली संस्कृति को विश्व स्तरीय पहचान दिलाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है, एक नहीं कई बार हिमाचल प्रदेश को विश्व स्तर पर रिप्रेजेंट कर चुके हैं। थैंक यू सो मच सर। और इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वॉइस ऑफ कुल्लू के हमारे जजेस और हमारे मास्टर्स, सबसे पहले मिस्टर रमेश ठाकुर जी प्लीज आप मंच पे आ जाए, और वॉइस ऑफ कुल्लू की टीम की ओर से आपको यहां पर हम सम्मानित करना चाहते हैं मेगा राउंड वॉइस ऑफ कुल्लू का। थैंक यू सो मच, शुक्रिया सर। और इसके बाद दूसरे जज की भूमिका में हमारे बीच है मिस्टर कपिल शर्मा जी, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें कपिल शर्मा जी का भी इस मंच पर, क्योंकि आज फोक राउंड है और तो ये जो फोक हमारा है
हमारी जो हिमाचली टोपी है इसका बहुत बड़ा महत्व आज रहने वाला है। और एक बार जोरदार तालियां कपिल शर्मा जी के लिए। थैंक यू सर। और हमारे बीच है मिस्टर अनिल ठाकुर जी स्टेनो, प्लीज सर स्वागत अभिनंदन आपका भी। और इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा डांस कुल्लू डांस के हमारे बीच मास्टर्स यहां पर बैठे हैं और डी पायरेट्स एकेडमी के ये संयोजक हैं मास्टर सूरज और मास्टर नीतीश, आप भी दोनों प्लीज मंच पे आ जाइए। एक बार जोरदार तालियां दोनों मास्टर्स के लिए। वॉइस ऑफ कुल्लू एक बहुत ही जबरदस्त पहल 9+ मीडिया की ओर से गांव की प्रतिभा को एक प्लेटफॉर्म एक मंच देने के लिए ये प्रयास किया गया है 9+ मीडिया की ओर से। और इसका निर्देशन किया है राम चौहान जी ने, तो बहुत बड़े ये गर्व की बात है कि आज यहाँ पर मेगा राउंड होने जा रहा है फोक राउंड का और फोक में जिन जिन कंटेस्टेंट ने अपनी प्रतिभागिता दर्ज करवाई है। थैंक यू सो मच। नशा मुक्त हिमाचल वॉइस ऑफ कुल्लू के मेगा राउंड में एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन है सभी लोगों का। और आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं, आपको शायद पता नहीं है कि 9+ मीडिया की ओर से ये जो आपके लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है ये दूसरा टीवी रियलिटी शो है, लेकिन सिंगिंग का ये हिमाचल प्रदेश का पहला टीवी रियलिटी शो है जो टीवी चैनल के माध्यम से टेलीकास्ट होने वाला है। इसके अलावा लाइव अपडेट्स, भक्ति सागर, डीकेडी, आप सब लोगों ने डीकेडी देखा होगा इसके माध्यम से, और लाइव जो प्रोग्राम्स हैं इसमें पिछले 2 सालों से जिला कुल्लू में 9+ चैनल काम कर रहा है। और आप सब लोगों के प्यार से, आप सब लोगों के सपोर्ट से, यहाँ की जनता की सपोर्ट से 9+ चैनल ने एक रेवोल्यूशन लाया है कुल्लू में और बहुत बड़े पैमाने पर आप सब लोग इसको देखते हैं और इसको प्यार करते हैं। इसके लिए आप सभी लोग भी सीरियसली बधाई के पात्र हैं कि अपनी संस्कृति से आप इतना प्यार करते हैं कि किसी टीवी चैनल के माध्यम से अगर वो चीज दिखाई जाए तो उसको आप इतना प्यार दे रहे हैं। एक बार 9+ चैनल की इस पहल के लिए आप सभी लोगों की ओर से जोरदार तालियां होनी चाहिए प्लीज। थैंक यू सो मच। और अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं डायरेक्टर वॉइस ऑफ कुल्लू और डायरेक्टर 9+ मीडिया मिस्टर राम चौहान जी से कि वो मंच पे आए और वॉइस ऑफ कुल्लू और 9+ चैनल की जो रूपरेखा है वो आप सब लोगों के समक्ष रखें। मैं जरूर चाहूंगा क्योंकि इतनी बड़ी जर्नी अकेले तय करना बहुत मुश्किल है क्योंकि अभी तो सफर शुरू हुआ है, क्योंकि मंजिल तो अभी दिख भी नहीं रही हमें, लेकिन हम काम कर रहे हैं। और राम भाई आप अकेले ये काम कर रहे हैं और हमें अच्छा लग रहा है कि हम आपके साथ हैं। मैं जरूर चाहूंगा एक छोटी सी रूपरेखा इस पूरे इवेंट की, इस पूरी जर्नी की आप यहां पर प्रस्तुत करें। प्लीज वेलकम राम चौहान जी। नशा मुक्त हिमाचल वॉइस ऑफ कुल्लू के आज फर्स्ट मेगा राउंड के फोक राउंड के आज के मुख्य अतिथि श्री हकीकत डांडा जी, और मैं सर आपका थैंक्स करता हूं आपके पधारने पर। इस शो के महागुरु एच डी कश्यप जी, हमारे मास्टर रमेश ठाकुर जी और कपिल शर्मा जी, हमारे सिंगिंग गुरु पंडित विद्यासागर जी सर के साथ आए हुए, और हमारे पूरी डांस कुल्लू डांस की पूरी टीम नीतीश और सूरज, और सारे यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट आज जो आए फोक राउंड के, और पूरे अभिभावकों का मैं अपने तरफ से जो है सबका स्वागत और धन्यवाद करता हूँ कि आप जो है इतने दूर से यहाँ पहुँचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ा सा मैं इस शो के बारे में बताना चाहूँगा कि 9+ चैनल ने एक पहल की है, एक शुरुआत की है पिछले साल से कि क्यों ना जैसे बड़े चैनल पर रियलिटी शो होते हैं, क्यों ना हम इन लोकल चैनलों पे भी ऐसे रियलिटी शो चलाएं जो हमारे गांव में छुपी हुई प्रतिभा है, जो जिन्हें एक मंच नहीं मिल पाता है, और हाँ जहाँ तक हमारे बड़े नेशनल चैनल नहीं पहुंच पाते वहाँ तक जो है हमारे इस चैनल ने पहल की है। अभी सर मैं बताना चाहूँगा कि हमने कुल्लू के बिल्कुल काफ़ी दूर है बागी पुल, वहाँ से भी यहाँ पार्टिसिपेंट आए हैं, और दलाश जगह है, यहीं ऐसे ही मणिकन घाटी में तोश जगह है, वहाँ से भी पार्टिसिपेंट यहाँ आए हुए, पूरे कुल्लू जिला के आज जो है 87 के आसपास जो है फोक राउंड के प्रतिभागी जो है आज यहाँ हमने बुलाए हैं। इनका जो है हमारे रमेश ठाकुर जी जो खुद एक रियलिटी शो से निकले हैं, और कपिल शर्मा जी जो एक बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, इनके द्वारा जो है इनको यहाँ तक के लिए जो है इनको कुल्लू का टिकट दिया गया था, इनको चुना गया है।
ये एक मेगा राउंड है आज फोक हमारे फोक का, जिसमें पूरे हिमाचल प्रदेश के गाने, इसके अलावा और जगह का फोक भी गा सकते हैं। इन बच्चों का कॉम्पिटिशन है और यहाँ से टॉप 40 जो है हमारे टेलीविज़न राउंड के लिए सिलेक्ट होने, जिसमें आज से जो है आज इस राउंड के जो है 20 बच्चे हमारे फोक से जाने और 20 हमारे जो है हिंदी राउंड से जाने, जो अगले कल हमारा यहाँ होना है। तो ये आज सारे जितने भी बच्चे यहाँ आए हुए पूरे कुल्लू जिले के, ये सारे जो है इन्होंने फोक में अपने पूरे लोकल गानों में जो है ऑडिशन किया हुआ है और इसमें से हमने आज जो है टॉप 20 चुनने। और इसके अलावा एक और ऑफर है जो इनको नहीं बताया गया था कि कम से कम 5 से 7 बच्चे जो है और इसमें स्टैंड बाई रहने वाले हैं, मतलब 20 की जगह जो है 26 या 27 बच्चे जो है आज हम लेने वाले हैं, जिसमें 7 को जो हम स्टैंड बाई रख रहे हैं कि हो सकता है कोई आगे हमें ज़रूरत पड़े बीच में, जैसे उनको जो है वाइल्ड कार्ड एंट्री के जरिए जो है इनको स्टूडियो राउंड के लिए जो है टेलीविज़न राउंड के लिए जो है उनको बुलाया जा सकता है। तो ये सर मैं थोड़ा इस शो के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि हमने लास्ट ईयर डांस कुल्लू डांस किया था, जिसका ग्रैंड फिनाले और इस शो का ग्रैंड फिनाले हमारा डांस कुल्लू डांस का भी एपिसोड है। टेलीविज़न राउंड से लेके सारा हमारा बिल्कुल तैयार है। हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल थी, काफ़ी दिक्कतें आई शुरू में, काफ़ी लोगों ने बोला कि ये आप कर नहीं सकते, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें एक कैमरा टीम, एक साउंड से लेके एक एडिटिंग से लेके काफ़ी चीज़ें इसमें ऐसी थी जो लाइटिंग, स्टेज, हर चीज़ें जो इसमें इन्वॉल्व होनी थी, तो इस करके काफ़ी लोग जो है इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। जो गांव में छुपी प्रतिभा और दूसरा जो बच्चे हैं जहां बड़े चैनल नहीं पहुंच पाते हैं, वहां तक अगर हम पहुंचे, अगर आज हमारे द्वारा तराशा हुआ बच्चा अगर कल बड़े चैनल पे दिखता है तो हमें बहुत खुशी होगी, कि तब हमें लगेगा कि हमने जो ये सफल जो हम ये शो कर रहे हैं तो ये हम जो है सफल हुए हैं। तो मैं सबका यहाँ जितने भी पेरेंट्स आए हुए जो आपके बच्चों के अलावा जो और आए हुए उन सबको आज मैं पहली बार देख रहा हूँ, क्योंकि ऑडिशन में सिर्फ बच्चे ही आए थे, मैं सबका थैंक्स दोबारा करना चाहूँगा। आप लोगों ने अपने बच्चों को जो है आगे लाने की कोशिश की है, आपने जो है बहुत बड़ा कदम उठाया, क्योंकि आपके इस कदम से जो है हमें जो और बहुत हौसला मिलता है। और आज हमने जिसको भी कॉल की सब ने हमें मतलब काफ़ी कोऑपरेट किया कि हम जरूर आ रहे हैं। बहुत दूर दूर से बच्चे हैं, अपने किराए पे आए, हाँ यहाँ हमने इनका जिसका कुछ एक बच्चे हमारे पास रह रहे हैं, कुछ अपने रिश्तेदारी में रह रहे हैं, हमने यहाँ इंतज़ाम किया है, उनका लंच का इंतज़ाम किया है, अगर कोई रात को यहाँ रह जाता है आज कुछ लेट होता तो उनके लिए भी यहीं इंतज़ाम किया गया है, रहने का खाने का यहीं इंतज़ाम किया गया है। तो ये हमने कोशिश की है कि बड़े चैनल तो सब कुछ देते हैं, वो बॉम्बे भी बुलाते हैं, लेकिन हमारा तो कुल्लू ही है हेडक्वार्टर, तो हम कुल्लू सबको बुला रहे हैं। आने वाले टाइम में हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को किराया भी ना देना पड़े, आप लोग जो है स्पेशली यहाँ आए और आपको सब कुछ सुविधा हम यहाँ दें, ऐसी हम कोशिश करेंगे। टाइटल स्पॉन्सर है हमारे पावर्ड बाई, जिन्होंने हमें पावर दी है, शक्ति दी है, जिस वजह से हम कर रहे हैं, ग्रीन हिल्स कंज्यूमर केयर प्राइवेट लिमिटेड और हेवन इंडिया प्रोड्यूसर कंपनी, मिस्टर जितेंद्र ठाकुर जी का, कि जिनकी बदौलत उनका भी एक सपना है कि वो जो है गांव में जो बच्चे हैं जिनके तक जो है कोई चैनल नहीं पहुंच पाता है उनको आगे लाने के लिए जो है हर संभव वो हमारी हेल्प कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। उनका उन्होंने एक वादा किया है कि जो भी जिस बच्चे में टैलेंट है उसको वो आगे लेके हमेशा आएंगे। और साथ में इस शो के माध्यम से हमने एक मैसेज भी लोगों को दिया, काफ़ी जगह हम गए सर, मैं बताना चाहूँगा, मैं करीबन जो है 40 स्कूलों में मैंने विज़िट किया और वहाँ पे 500, 1000, 1500 तक बच्चों को हमने जो है एड्रेस किया। तो वहाँ हमने हर जगह जो है नशा मुक्त हिमाचल, जो हमारा कुल्लू बदनाम हो रहा है नशे के लिए, बाहर से कई लोग फॉरनर लोग या कोई आके जो है यहाँ बदनाम कर रहे हैं, उसको जो है हमने एक प्रण लिया है कि हमारे जो जितने ये बच्चे हैं इनके माध्यम से और जितने स्कूल्स थे, जितने लोग थे, अभिभावक थे, सब लोगों के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमारा कुल्लू इतना नशे के लिए जितना बदनाम किया जा रहा है, जितना बाहर से आके जो लोग यहाँ बदनाम कर रहे हैं, तो उसको जो है जड़ से इस नाम को जो है ख़त्म करना है यहाँ के। और हमने एक प्रण लेना है कि कहीं भी अगर कोई नशा कर रहा है उनको आपने समझाना है, क्योंकि इन बच्चों को हमने यही चीज़ें हर स्कूल में भी बताई कि आप कल का भविष्य है, आपने कल देश को चलाना, आप में से ही कल कोई बहुत बड़ा नेता है, तो आप आज अगर इस चीज़ से रूबरू होंगे, आप लोगों को आज अगर ये समझ होगी तो मुझे लग रहा है हमारा देश कभी जो है पीछे नहीं होगा, हमारा देश एक दिन नंबर 1 होगा पूरे वर्ल्ड में।
तो यही हमारी एक रूपरेखा है सर। और आज जो है मेगा राउंड है फोक राउंड का, और इसमें जो है हमने 20 बच्चे यहाँ से लेने, और ये हमारे गुणी हैं गुरुजी, पहली बार एसडी कश्यप जी किसी रियलिटी शो में बैठे हैं। मैं सर का थैंक्स करना चाहूँगा दोबारा एक बार फिर अपने इस मंच से, सब लोगों की तरफ से, आज मैं पार्टिसिपेंट और सबकी तरफ से जो है सर का थैंक्स करना चाहूँगा कि इन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया है। जो बच्चे सर, हम जो 40 बच्चे हमारे पास यहीं पर रहने वाले हैं, उनको पंडित विद्यासागर जी सिखाने वाले हैं, उनको पूरी ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है, उनको कोई पैसा उनसे नहीं लिया जा रहा है, उनको जो है पूरा खाना रहने तक का इंतजाम सारा यहीं पे किया गया है। जो बच्चा दूर का है उनको सारी फैसिलिटी यहाँ दी गई है, लोकल को छोड़ के। तो ये हमने जो है एक कोशिश की है अपनी तरफ से कि उनको जो है एक अच्छा क्लाइमेट दें हम, अच्छी इनको, ताकि ये कभी बड़े चैनल में जाएं तो इनको थोड़ा सा मोटिवेट हो कैसे कैमरा फेस करना है, किस ढंग से स्टेज पे आना है, कैसे जजेज जो है क्वेश्चन पूछते हैं, किस ढंग से आपको जो है परफॉर्मेंस देनी है, कैसे अपने स्टेज हैंडल करना है। तो यही हमारी रूपरेखा थी सर। और साथ में मैं फिर एक बार आपका थैंक्स करना चाहूँगा कि आपकी जो है ये मैसेज आज जो आप देने वाले हैं यहाँ बच्चों को, वो बहुत कीमती रहेगा हमारे लिए भी और हमेशा के लिए हमें याद रहेगा, क्योंकि आप जो है अभी अभी आपने ज्वाइन किया कुल्लू में और फर्स्ट शायद मुझे लग रहा हमारे शो में आप गेस्ट बने। तो सर मैं एक बार फिर आपका दोबारा अपनी पूरी टीम की तरफ से, अपने पूरे जितने भी प्रतिभागी और अभिभावकों की तरफ, सबकी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से एक बार फिर आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। पावर्ड बाय हेवन इंडिया प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, ग्रीन हिल्स कंज्यूमर केयर प्राइवेट लिमिटेड, को स्पॉन्सर्ड बाय हेवन यूनिसेक्स सैलून एंड स्पा, अखाड़ा बाजार कुल्लू, नागचला बर्तन स्टोर, द हॉलीडे रिजॉर्ट्स Cottages and Spa, Devdham Restaurant, Prasoon Orchard Enterprises, Christian Nursing School, Bug Fashion. ग्रीन हिल्स का जो सपना है कि हर घर में हर व्यक्ति आर्थिक रूप से आजाद हो, हर परिवार में आधुनिक सुख सुविधा के हर सामान मुहैया हो, ग्रीन हिल्स कंज्यूमर केयर का सदस्य बनकर आसान किस्तों में प्रोडक्ट प्राप्त करें और अपने घर को सुंदर बनाएं। ग्रीन हिल्स परिवार, ऐसा हमारा ग्रीन हिल्स परिवार, ऐसा हमारा ग्रीन हिल्स परिवार। ग्रीन हिल्स कंज्यूमर केयर प्राइवेट लिमिटेड, आपका विश्वास ही हमारी संपत्ति है। Heaven Unisex Saloon and Spa, official brand partner of Shoshko Profession. We have all facilities to complete your beauty needs. Do visit for color, haircut, detanning, eyes treatment and spa. We are specialized in bridal makeup, pre-wedding makeup and also for party makeup. So you don't need to go anywhere else, because you have the best option for all your beauty needs under one roof. Heaven Unisex Saloon and Spa, Kant Complex near Lakshmi Narayan Temple, Akhada Bazar, Kullu, Himachal Pradesh. Contact us at 01902-225344. Isha Rabia Creations Banjar. हमारे यहाँ पर स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट की यूनिफॉर्म्स प्रोफेशनल हाईटेक मशीन द्वारा वाजिब दामों में तैयार की जाती है। साथ ही ट्यूनिक, स्कर्ट, शर्ट, पैंट,
कोट, स्कूल ब्लेजर्स, लैब कोट प्रोफेशनल क्वालिफाइड कारीगरों द्वारा तैयार किए जाते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें अभिषा राब्या क्रिएशंस, सिटी पॉइंट, बंजार। हमारा मोबाइल नंबर है 9816822542। हरियाली से भरे खूबसूरत नज़ारों के बीच अगर जायकेदार और ऑर्गेनिक खाना मिल जाए तो जनाब क्या कहने। जी हाँ, अब आपके लिए देवधाम रेस्टोरेंट वाशिंग में हाइजीन की सुविधा का ख्याल रखते हुए लेकर आया है सेहत भरा ऑर्गेनिक फूड। साथ ही तरह तरह के इंडियन, चाइनीज और कॉन्टिनेंटल फूड, जिनका लुत्फ आप रेस्टोरेंट के भीतर या फिर खुले आसमान के नीचे भी बेहद खूबसूरत नज़ारों के बीच ले सकते हैं। तो फिर देर किस बात की है, सेहत और स्वाद दोनों का एक साथ लुत्फ लेने के लिए आए देवधाम रेस्टोरेंट वाशिंग, NH 21 कुल्लू। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9816136945। नागचला बर्तन स्टोर, भुट्टी कॉलोनी, कुल्लू। हमारे पास विभिन्न कंपनियों के उत्पाद हैं, जिसमें प्रेस्टीज है, सनफ्लेम है, क्लिक्स है, फिलिप्स है और सेल्लो मिल्टन। नागचला बर्तन स्टोर, भुट्टी कॉलोनी, कुल्लू। कॉन्टैक्ट नंबर 01902260211। Our Christian Nursing Institution, Dhalpur Kullu, is providing best training facilities to our training students, as well as we are providing 100% placement to the nurses. नशा मुक्त हिमाचल वॉइस ऑफ कुल्लू की पूरी रूपरेखा के बाद आइए अब शुरुआत करते हैं इस प्यारी से मेगा राउंड की। और यहां पर धमाकेदार शुरुआत होनी चाहिए और इसलिए इस धमाके को करने के लिए इस मंच पर बुलाया जा रहा है बहुत ही जबरदस्त और मोस्ट पॉपुलर, कुल्लू में ही नहीं बल्कि पूरी हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल गॉट टैलेंट, इंडियाज गॉट टैलेंट और डांस हिमाचल डांस जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स के विजेता और डी पायरेट्स एकेडमी के जितने भी यहां पर स्टूडेंट्स हैं वो अपने मास्टर के साथ, अपने गुरुओं के साथ इस मंच पर परफॉर्म करने वाले हैं। तो आर यू रेडी, सभी लोग तैयार हैं धमाके के लिए? बस सवाल है अब मेरा।
वॉइस ऑफ कुल्लू के मेगा राउंड की अब हम शुरुआत करने वाले हैं। और एक बार डी पायरेट्स क्रू के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस के लिए। अब और ज्यादा एनर्जेटिक यहाँ का माहौल हो गया है। 9+ मीडिया और वॉइस ऑफ कुल्लू की पूरी टीम की ओर से आप सभी लोग वॉइस ऑफ कुल्लू के हिस्सा है, मतलब 9+ चैनल की आप पार्ट है, इसलिए मुख्य अतिथि महोदय हमारे समक्ष हैं और साथ ही साथ गुरु जी एस टी कश्यप जी, विद्यासागर सर, सभी लोगों के लिए एक प्यारे से, ताकि आज का ये मेगा राउंड है ईश्वर की कृपा से, सभी लोगों की कृपा से बहुत अच्छे से जो सोच के हम चले हैं वो सारी चीजें बिल्कुल कामयाब रहें। इसी के साथ एक प्यारा सा आप सब लोगों के लिए मंगल गान के साथ प्रारंभ करेंगे। और पहाड़ी हम सब लोग हैं इसलिए पहाड़ी राउंड आज रखा गया रहा, सभी लोग यहाँ पे प्रतिभागिता दर्ज करवाने वाले हैं। एक बार अपने हिमाचल के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए सभी लोग, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों के आगमन पे मुख्य अतिथि महोदय सर आपके लिए एक प्यारा सा गाना। साजनायो हे सखी मोरा साजनायो हे सखी मोरा साजनायो हे सखी मैं तोड़ू मोतियन रोहार लोग जाने लोग जाने मैं मोती चुनू मैं तो झुक झुक करूं जोहार ओ ओ ओ ओ चूक प्रभु माटी रंगाओ आज मेरे पिया घर आएंगे आज घर आएंगे हेरी सखी मंगल गाओनी धरती अंबर सजाओनी हेरी सखी मंगल गाओनी धरती अंबर सजाओनी आज उतरी है पी की सवारी अरे कोई काजल लाओनी इन्हें डाला टीका लगाओनी इनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी इनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी कच्छ में जीवारो नजर उतारो आज
आएंगे आज मोरे पिया घर आएंगे ओ ओ ओ ओ ओ ओ रंगों से रंग मिले नए नए ढंग खिले रंगों से रंग मिले नए नए ढंग खिले खुशी आज द्वारे मेरे डाले है डेरा पीहू पीहू पपिया रटे कुहू कुहू कोयलिया जपे आंगन आंगन है परियों घेरा आंगन आंगन है परियों घेरा मन है नाद बजाओ ऋषभ नील आज मोरे पिया घर आएंगे आज मोरे पिया घर आएंगे अनहद नाद बजाओ ऋषभ नील अनहद नाद बजाओ ऋषभ नील ओ थैंक यू सो मच और मैं जरूर चाहूंगा कि अब इस पावन अवसर पर हम शुरुआत करने वाले हैं मेगा राउंड की मतलब फोक राउंड अब शुरू होने वाला है और सिर्फ दो लाइंस आशीर्वाद स्वरूप मैं जरूर चाहूंगा हमारे महागुरु जिनसे मिलने के लिए मैं तो कई सालों से बेताब था लेकिन आप सभी लोग भाग्यशाली है सिर्फ एक प्रयास किया गया 9+ चैनल की ओर से मतलब वॉइस ऑफ कुल्लू का और गुरु जी से आपको मिलने का मौका मिला तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है हिमाचल प्रदेश में जितने भी लोगों को आप गुरु तुल्य समझते हैं म्यूजिक और संगीत की इंडस्ट्री में उनके ये सबके गुरु हैं और आपके शो के महागुरु तो हैं ही एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें गुरु जी एस डी कश्यप जी सर प्लीज मंच पे आ जाए प्लीज हमारे बीच पधारे मुख्य अतिथि को मेरा हार्दिक अभिनंदन हमारे यहाँ पधारे दूर दराज से जितने भी प्रतिभागी हैं उन सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभ संदेश शुभ आशीष संगीत को आप कभी स्पर्धा के तौर पे मत देखना आप जितना भी परफॉर्म करो अपने मन से गाना किसी को हराने के लिए नहीं गाना हराने से नेगेटिविटी आती है जो भी गाओ अपने मन से गाओ और मेरा आप सभी को आशीर्वाद है कि आप बहुत बड़ी मंजिलें तय करें और हिमाचल का नाम रोशन करें मेरी यही आशीर्वाद है यही शुभ वचन है धन्यवाद थैंक यू सो मच सर और आशीर्वचन एक ही शब्द में बहुत सारी चीजें कह दी सर ने तो आपके लिए इससे बड़ी इंस्पिरेशन कुछ नहीं हो सकती कि संगीत को दिखाने के लिए या हराने के लिए नहीं
बस अपने लिए गाइए, अपने आप को खुश करने के लिए गाइए। अगर आप खुद खुश हैं तो दुनिया खुश रहेगी ज़रूर। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर इस वक्त, बहुत अच्छा माहौल इस वक्त हो चुका है। और मैं ज़रूर चाहूँगा अब इस पावन अवसर पर मुख्य अतिथि महोदय हमारे बीच, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट श्री हकीकत ढांडा जी, प्लीज सर आप मंच पे आए। आपके अनुभव और आपकी इंस्पिरेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है सभी कंटेस्टेंट को। जोरदार ताली से स्वागत करें श्री हकीकत ढांडा जी। सर प्लीज। 9 प्लस चैनल का जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धन्यवादी है, क्योंकि आज के इस आपके कार्यक्रम में हमें एक मौका मिला कि जो हमारा युवा वर्ग है, जो हमारे देश का भविष्य है, उसको हम नशे के बारे में जागरूक करें। नशे से होने वाले दुष्प्रभाव जो हमारे स्वास्थ्य के ऊपर पड़ते हैं, हमारे समाज के ऊपर पड़ते हैं, उनके बारे में हम आप लोगों को जागरूक करें। इस कार्यक्रम का थीम बहुत ही अच्छा रखा गया है कि संस्कृति के साथ साथ जो समाज में बुराई, नशे की बुराई हमारे समाज में फैल गई है, उस बुराई से लड़ने की एक ताकत ये कार्यक्रम निश्चित तौर पर हमारे युवा वर्ग को देगा। जैसा कि आप लोगों को बताया गया कि हमारे हिमाचल की जो पहचान है वो एक देवभूमि के रूप में है। जो भी बाहर का व्यक्ति कोई यहाँ पे आता है तो उसकी एक पहचान जो अपने मन में लेके आता है वो देवभूमि की होती है कि मैं देवभूमि में जा रहा हूँ और शायद इससे पावन, इससे पवित्र धरती मेरे लिए कोई नहीं हो सकती। परंतु आज के समय में यदि हम अपने ज़िले की बात करें तो कहीं ना कहीं जो धारणा बाहर के लोग यहाँ पे लेके आते थे वो कुछ मायनों में बदलती हुई हमें नज़र आती है। तो आपकी और हमारी एक कोशिश, एक साझा प्रयास ये होना चाहिए कि उस धारणा को फिर से हम अपनी देवभूमि की जो आस्था हमारी धरती के साथ जुड़ी है उसको हम वापस लेके आएं, और इसमें आपका और हमारा सबका प्रयत्न, साझा प्रयत्न काम करेगा। ये बात मैं किस आधार पर बोल रहा हूँ, ये बात मैं आपको निजी आधार पर बोल रहा हूँ कि इस धरती के बारे में हमारी आस्था देवभूमि की क्यों है, क्योंकि जब मेरा सिलेक्शन अपनी सर्विस के लिए हुआ तो उसी समय मेरा सिलेक्शन दिल्ली में भी हुआ था, तो मेरे सामने दो चॉइस थी, एक दिल्ली में सेवा करने की और एक हिमाचल में। तो मैंने अपने घर में जैसे बातचीत की तो मेरे पिताजी ने कहा था कि हिमाचल से बढ़िया कोई जगह आपके लिए नौकरी करने के लिए नहीं हो सकती। और मेरे ख्याल से वो जो बात है, आज 10 साल की नौकरी के बाद मेरे को किसी तरह का पश्चाताप नहीं है कि मेरा जो डिसीजन था वो गलत रहा। क्योंकि यदि एक बाहर का व्यक्ति 10 साल में आप लोगों के बीच में आके आपको, अपने आप को आपकी संस्कृति में ढाल सकता है, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आपकी जो संस्कृति है उसको आप निश्चित तौर पे उसे बचाएं और उसको बचाने के साथ साथ उसको आगे भी बढ़ा के ले जाएं। ये जो मंच है ये एक ऐसा मंच है, क्योंकि नशे के बारे में या कानूनी प्रावधान या इससे होने वाले दुष्प्रभाव जितने भी हैं उसके बारे में बातचीत करने के लिए यदि हम लोग आपके गाँव तक आते, हालाँकि हमारी कोशिश रहती है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की, हम गाँव-गाँव में हर स्कूल को कवर करते हैं, सेंज और बंजार एरिया की हमने लगभग सभी पंचायतों में पिछले 2-3 महीनों से हमने कैंप्स लगाए हैं, लोगों को इस बारे में जागरूक किया है। उसके अलावा कुल्लू और नगर ब्लॉक को अभी हमने शुरू कर दिया है और लोगों को नशे के साथ साथ अन्य कानूनी जानकारियां जो हैं उसके बारे में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अवगत करवाता है। लेकिन हमारे लिए भी एक सुनहरा अवसर इस मायने में था कि दूर दराज के जो लोग हैं, दूर दराज के जो हमारे बच्चे हैं, जो युवा वर्ग है, वो आज यहाँ पर आया हुआ है, तो एक ही प्रयास में हम बहुत सारे क्षेत्र को हम कवर कर पाएंगे और अपनी जो विधिक सेवा प्राधिकरण की गतिविधियाँ हैं उसके बारे में आप लोगों से चर्चा कर पाएंगे। विधिक सेवा प्राधिकरण, आप लोगों ने हो सकता है कुछ लोगों ने पहले नाम सुना हो या जो दूर दराज के लोग हैं वो इससे वाकिफ ना हो, हमारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार उनके तत्वाधान में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण दिल्ली में काम करता है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंडर काम करता है। उसके अलावा हर राज्य में हमारे जो ऑनरेबल हाईकोर्ट है उसके अंडर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एक हमारी इकाई काम करती है बड़े स्तर पे जो पूरे राज्य को देखती है, और उसके अलावा जिला स्तर और पे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं खंड स्तर पे खंड स्तरीय विधिक सेवा समिति हमारी काम करती है। हमारा जो मुख्य कार्य होता है वो होता है गरीब व दूर दराज के जो लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिन्हें कानूनी सहायता या कानूनी सेवा की ज़रूरत होती है, जो अपने अधिकार की लड़ाई के लिए अदालत में नहीं जा सकते, कचहरी में नहीं जा सकते, किसी ट्रिब्यूनल या प्राधिकरण में नहीं जा सकते, उन लोगों का जो अधिकार है, कानूनी अधिकार, वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उनको कानूनी रूप से दिलवाने में उनकी मदद करता है, उनको मुफ्त कानूनी सहायता, मुफ्त कानूनी सेवा, केस के पहले दिन से लेकर केस के आखिरी दिन तक का जो खर्चा केस का होता है वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से वहन किया जाता है। यानी एक भी रुपया ज़रूरतमंद जो व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, उसको अपने केस की सुनवाई के लिए नहीं देना पड़ता है।
नशे के बारे में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण समय समय पर कैंप लगाता है कि नशे से होने वाले क्या दुष्प्रभाव है, उसी कड़ी में हम आप लोगों से बातचीत करेंगे कि नशा जो है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये बात हम सबको पता है, परंतु आपके निजी स्वास्थ्य के साथ साथ नशा हमारे समाज और देश के लिए भी हानिकारक है, क्योंकि आप हमने हमारे से जो पहले वाली पीढ़ी थी, जो जनरेशन थी, उन्होंने अपनी भूमिका निभाई, एक अच्छा प्रांत, एक अच्छा देश हम लोगों को दिया, उसके बाद कुछ हद तक जिम्मेदारी हमारे कंधों पे पड़ी, हमारी एक कोशिश है कि अच्छे तरीके से हम अपनी जिम्मेदारी निभाएं, लेकिन आपके लिए भी हम एक अच्छा प्रांत और अच्छा देश हम लोग छोड़ के जाएं, तो जिम्मेदारी उस कल को आपके कंधों पे आने वाली है कि ये जो आप लोगों को हम सौंप के जाएंगे, जो प्रांत और जो देश, उसको आप बहुत ही एक अच्छा देवभूमि जो हमारी है, सही मायनों में जो देवभूमि है, उसको आप लोग बना के रखेंगे, हमारी जो समाज की मर्यादाएं हैं उनका आप ख्याल रखते हुए जो ऊंचाइयां हमारे जीवन में हैं आप उसको प्राप्त करेंगे। सामाजिक तौर से हमने बात की कि कोई भी व्यक्ति नशे की लत का आदी हो जाता है तो उसको समाज में नकारात्मक दृष्टि से सभी लोग देखते हैं। यदि उसके स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य पे निश्चित तौर पे दुष्प्रभाव उसके स्वास्थ्य पे पड़ता है। कल को बहुत जो एक समाज का जिम्मेदार और हिस्सेदार नागरिक नशे का जो आदि व्यक्ति है वो नहीं रहता है। उसके अलावा कानूनी प्रभावों की बात करें तो कानूनी प्रभाव नशे के मामले में इतने ज़्यादा गहरे हैं कि कोई आदमी यदि नशे के केस में पकड़ा जाता है, किसी के पास कोई भी नशीला पदार्थ या तत्व पकड़ा जाता है, उसके खिलाफ जब केस चलता है, केस के बाद सुनवाई के बाद यदि माननीय अदालत उसे दोषी ठहराती है तो उसको 10 साल से लेकर 20 साल और उम्र कैद तक की सज़ा का इसमें प्रावधान है। तो हमें अपने स्वास्थ्य के, देश के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए हमें कानूनी जो प्रभाव है इसका, उसको भी ध्यान में रखना है कि इस तरह की गतिविधि में हम या हमारा कोई भाई या कोई छोटा भाई बहन, बड़ा भाई बहन या हमारा कोई पड़ोसी या समाज का अन्य कोई व्यक्ति इस बुराई के चक्कर में आ जाता है तो उस व्यक्ति को कितने कानूनी, कितने आर्थिक और कितने सामाजिक नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। इस कैंप के माध्यम से, इस जो कार्यक्रम है इसके माध्यम से हमारी कोशिश थी जो नशे के बारे में होने वाले दुष्प्रभाव है उनके बारे में आपसे चर्चा करें, और उसके साथ साथ एक कोशिश हमारी, जहां भी हमारा विधिक सेवा का कैंप होता है, विधिक सेवा का कार्यक्रम होता है, वहां पे एक कोशिश हमारी ये रहती है कि हमारे जो बच्चे हैं, जो देश का भविष्य है, उनको हम बूस्टअप करें कि आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हो कि आपको यहाँ तक आने का मौका मिला अपने दूर दराज के पहाड़ी रस्तों से होते हुए। ये एक पहला चरण है और यहाँ से आप लोग आगे देश विदेश में अनेक अलग अलग कोनों में आप जाके भविष्य में अपनी सेवाएँ देंगे। तो ये पहला पड़ाव है, आप में से कोई भी सिलेक्ट इस वॉइस ऑफ कुल्लू के लिए होता है, कोई नहीं होता है, आप लोगों ने मन में किसी प्रकार की धारणा नहीं रखनी, आपने केवल यही मान के चलना है कि ये मेरा पहला प्रयास था और अगला प्रयास में मैं अच्छी तैयारी के साथ आऊँगा और निश्चित तौर पे जो है मैं अगली सीढ़ी को इसमें प्राप्त करने में सक्षम होऊंगा। इस आप मन से, और जैसा गुरुजी ने आप लोगों को बताया कि किसी को हराने के लिए, हार या जीत के लिए जो संगीत है वो नहीं होता, संगीत आपके अंतर्मन से आता है, तो आपने उसी तरह से संगीत की तैयारी करके और उसी तरह से आपने अपना परफॉर्मेंस देना है। उसके साथ साथ आप लोगों से जो हमारे बीच में कंटेस्टेंट्स आए हैं उनसे लगाव होने का एक कारण हमारा सबसे बड़ा ये भी रहता है कि आप लोग भी गांव के दूरदराज क्षेत्रों से आए हो, और मैं खुद भी गाँव से हूँ, तो गाँव के बच्चों से मेरा निजी तौर पे थोड़ा सा ज़्यादा लगाव रहता है, क्योंकि गांव के बच्चे को जो दिक्कतें होती है वो एक शहर के बच्चे के एवज में ज़्यादा उठानी पड़ती है। तो आप लोगों को ज़्यादा, क्योंकि आपका कल्चरल प्रोग्राम है, आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा, केवल एक ही बात आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब हम छोटे छोटे होते थे तो हम भैंसे चराने जाते थे खेतों में, जब भैंस चराने जाते थे तो जब ऊपर से जहाज़ जाता था तो हम ऊपर उठ के देखते थे कि जहाज़ जा रहा है, उस समय मन में एक ही ख्वाहिश होती थी कि नीचे से जहाज़ इतना सुंदर लगता है तो जहाज़ में बैठ के नीचे की दुनिया कैसी लगती होगी। पढ़ाई आपका एक सबसे बड़ा साधन हो सकता है, यदि आज के समय में आप में से किसी भी बच्चे के मन में ये जिज्ञासा है कि आप नीचे से खड़े हुए ऊपर उठते हुए जहाज़ को देख के ये सोचते हो कि जहाज़ में बैठने से दुनिया कैसे लगती है, तो ये केवल आपकी एक अच्छे प्रयत्न, अच्छी पढ़ाई से ही संभव हो सकता है। तो आपने मन लगा के अपनी पढ़ाई करनी है और अपना जो समय है, क्योंकि ये जो गतिविधियां हैं, सांस्कृतिक गतिविधियां, कल्चरल एक्टिविटीज जो आपकी होती है, ये भी पढ़ाई का ही हिस्सा आप लोग मान के चलें, क्योंकि ये पढ़ाई आपका एक पहलू जो होगा आपकी
प्रवृत्ति का या आपकी पर्सनैलिटी का उसको डेवलप करेगा। संगीत, डांस या अन्य कोई भी विधा है जिसमें आप लोग काम करते हैं, वो आपके जो दूसरे पहलू है आपके जीवन के उसमें आपका निखार लाएगा और निश्चित तौर पे आप भविष्य में देश के एक अच्छे नागरिक बनेंगे, ऐसी हमें उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है। इसके साथ ही आप लोगों ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अपने विचार इस मंच के माध्यम से रखने का मौका दिया, उसके लिए हम चैनल 9+ के हम धन्यवादी हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, इतने बहुमूल्य विचारों के लिए और साथ ही साथ प्रेरणा स्रोत जो शब्द सर ने कहे, आशा है बहुत सारे लोगों पर इन चीजों का प्रभाव पड़ेगा और वो जरूर अच्छे कामों की ओर ध्यान देंगे। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए जरूर चाहूंगा। थैंक यू सो मच सर। और आइए कुछ एक औपचारिकताएं अभी हैं, जो कंटेस्टेंट ऑडिशन से मेगा राउंड तक पहुंचे हैं अलग अलग ऑडिशन वेन्यू से, उनके लिए यहाँ पर 9+ चैनल और साथ ही साथ वॉइस ऑफ कुल्लू की टीम की ओर से, हमारे स्पॉन्सर्स की ओर से सर्टिफिकेट्स यहाँ पर वितरित किए जाएंगे, ताकि हमेशा के लिए ये याद बनकर आपके पास सर्टिफिकेट रहे कि आपने वॉइस ऑफ कुल्लू में प्रतिभागिता दर्ज करवाई थी। तो सबसे पहले निर्मंड से जितने भी प्रतिभागी यहाँ पर आए हैं मेगा राउंड के लिए निर्मंड से, वो सभी मंच पर आ जाएं प्लीज। निवेदन है राम चौहान जी, मुख्य अतिथि महोदय SD कश्यप सर, कपिल शर्मा जी और रमेश ठाकुर जी मंच पे आ जाएं। और सबसे पहले निर्मंड से जो मेगा राउंड के लिए सेलेक्ट हुए हैं कंटेस्टेंट, उन सभी को यहाँ पर सर्टिफिकेट वितरित किए जाएंगे मेगा राउंड तक पहुंचने के लिए। ऑडिशन वेन्यू निर्मंड से जो कंटेस्टेंट आए हैं प्लीज मंच पे आ जाइए। और आप सभी लोगों की ओर से जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए, मेगा राउंड तक पहुंचे हैं ये कंटेस्टेंट, इसलिए यहाँ पर सर्टिफिकेट्स सर की ओर से यहाँ पर वितरित किए जा रहे हैं। आनी के जितने भी कंटेस्टेंट हैं सभी आ जाइए। मणिकरण से जो कंटेस्टेंट आए हैं वो सभी आ जाएं। बंजार ऑडिशन वेन्यू के जो कंटेस्टेंट है सभी आ जाइए। पतली कुहल ऑडिशन वेन्यू से जो कंटेस्टेंट है वो सभी आ जाइए। इसके बाद सेंज ऑडिशन वेन्यू से जो कंटेस्टेंट चयनित किए गए हैं मेगा राउंड के लिए सभी आ जाइए। मनाली ऑडिशन वेन्यू से जो मेगा राउंड के लिए चयनित किए गए हैं कंटेस्टेंट वो आ जाइए। और आखिर में सबसे बड़ा ऑडिशन वेन्यू जहां से 70 से ज्यादा कंटेस्टेंट ने अपनी प्रतिभागिता दर्ज करवाई है, कुल्लू ऑडिशन वेन्यू के सभी कंटेस्टेंट आ जाइए। थैंक यू, थैंक यू सो मच। एक बार कुल्लू के कंटेस्टेंट के लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए सभी लोग। पावर्ड बाय हेवन इंडिया प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, ग्रीन हिल्स कंज्यूमर केयर प्राइवेट लिमिटेड, को स्पॉन्सर्ड बाय हेवन यूनिसेक सैलून एंड स्पा, अखाड़ा बाजार कुल्लू, नागचला बर्तन स्टोर, द हॉलीडे रिजॉर्ट्स Cottages and Spa, Devdham Restaurant, Prasoon Orchard Enterprises, Christian Nursing School, Bug Fashion.
ग्रीन हिल्स का जो सपना है कि हर घर में हर व्यक्ति आर्थिक रूप से आजाद हो, हर परिवार में आधुनिक सुख सुविधा के हर सामान मुहैया हो। ग्रीन हिल्स कंज्यूमर केयर का सदस्य बनकर आसान किस्तों में प्रोडक्ट प्राप्त करें और अपने घर को सुंदर बनाएं। ग्रीन हिल्स परिवार, ऐसा हमारा ग्रीन हिल्स परिवार, ऐसा हमारा ग्रीन हिल्स परिवार। ग्रीन हिल्स कंज्यूमर केयर प्राइवेट लिमिटेड, आपका विश्वास ही हमारी संपत्ति है। Heaven Unisex Saloon and Spa, official brand partner of Shoshko Profession. We have all facilities to complete your beauty needs. Do visit for color, haircut, detanning, eyes treatment and spa. We are specialized in bridal makeup, pre-wedding makeup and also for party makeup. So you don't need to go anywhere else, because you have the best option for all your beauty needs under one roof. Heaven Unisex Saloon and Spa, Kant Complex near Lakshmi Narayan Temple, Akhada Bazar, Kullu, Himachal Pradesh. Contact us at 01902225344. ईशा राब्या क्रिएशंस बंजार, हमारे यहाँ पर स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट की यूनिफॉर्म्स प्रोफेशनल हाईटेक मशीन द्वारा वाजिब दामों में तैयार की जाती है। साथ ही ट्यूनिक, स्कर्ट, शर्ट, पैंट, कोट, स्कूल ब्लेजर्स, लैब कोट प्रोफेशनल क्वालिफाइड कारीगरों द्वारा तैयार किए जाते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें अभिषा राब्या क्रिएशंस, सिटी पॉइंट बंजार। हमारा मोबाइल नंबर है 9816822542। हरियाली से भरे खूबसूरत नज़ारों के बीच अगर जायकेदार और ऑर्गेनिक खाना मिल जाए तो जनाब क्या कहने। जी हाँ, अब आपके लिए देवधाम रेस्टोरेंट वाशिंग में हाइजीन की सुविधा का ख्याल रखते हुए लेकर आया है सेहत भरा ऑर्गेनिक फूड। साथ ही तरह तरह के इंडियन, चाइनीज और कॉन्टिनेंटल फूड, जिनका लुत्फ आप रेस्टोरेंट के भीतर या फिर खुले आसमान के नीचे भी बेहद खूबसूरत नज़ारों के बीच ले सकते हैं। तो फिर देर किस बात की है, सेहत और स्वाद दोनों का एक साथ लुत्फ लेने के लिए आए देवधाम रेस्टोरेंट वाशिंग, NH 21 कुल्लू। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9816136945। नागचला बर्तन स्टोर, भुट्टी कॉलोनी, कुल्लू। हमारे पास विभिन्न कंपनियों के उत्पाद हैं, जिसमें प्रेस्टीज है, सनफ्लेम है, क्लिक्स है, फिलिप्स है और सेल्लो मिल्टन। नागचला बर्तन स्टोर, भुट्टी कॉलोनी, कुल्लू। कॉन्टैक्ट नंबर 01902260211। Our Christian Nursing Institution Dhalpur Kullu is providing best training facilities to our training students, as well as we are providing 100% placement to the nurses. Welcome to 9 Plus Media presents Nasha Mukt Himachal, Voice of Kullu, powered by Heaven India Producer Company Limited and Green Hills Consumer Care Private Limited.
वॉइस ऑफ कुल्लू का मेगा राउंड अब शुरू होने वाला है। दो भागों में इसे विभाजित किया गया है, एक फोक और एक हिंदी। आज होने जा रहे हैं फोक के कंपटीशन और लगभग 80 से ज्यादा कंटेस्टेंट इसमें अपनी प्रतिभागिता देने वाले हैं और इसमें से सेलेक्ट होंगे टॉप 20 जो जाएंगे टीवी राउंड के लिए और जिन्हें मिलेगी कुल्लवी टोपी। और आइए शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं हमारे महागुरु एसडी कश्यप सर से, सर आप बताइए कि आज आपकी ओर से क्या संदेश है इन कंटेस्टेंट को जो यहां प्रतिभागिता देने वाले हैं, क्योंकि कंपटीशन मुश्किल है, 80 से ज्यादा प्रतिभागी और सिर्फ 20 प्रतिभागियों का चयन होना है, क्या मैसेज है आपकी ओर से? मेरा उनको क्या मैसेज दूँ, सिर्फ आशीर्वाद ही देता हूँ और मैं चाहता हूँ मन से गाएं और दिल से गाएं, मेरा आशीर्वाद उनको है, धन्यवाद, थैंक यू। बहुत खूब, मन से गाएं और दिल से गाएं, वाकई मंजिल आपको जरूर मिलेगी। और मैं जरूर पंडित विद्यासागर सर आप बताएं कि आपकी ओर से क्या एक संदेश है, आशीर्वाद स्वरूप आप क्या कहना चाहेंगे आज के प्रतिभागियों के लिए? सर प्लीज। मैं सभी प्रतिभागियों को अपने दिल से बेस्ट ऑफ लक कहता हूं कि अपने दिल से गाएं, अच्छा गाएं और आगे के लिए चयनित हो जाए, थैंक यू। बहुत खूब, अच्छा गाएं, बहुत खूब गाएं और दिल से गाएं ताकि उनका चयन हो जाए टीवी राउंड के लिए। और आइए इसके बाद हम जानेंगे हमारे मास्टर से, हमारे जजेस से, सबसे पहले रमेश ठाकुर जी। बहुत मुश्किल काम है हमारे लिए और आज बहुत खुशी की बात यह है कि हमारे गुरु जी आज हमारे बीच में विराजमान है, एसडी कश्यप जी, और साथ में हमारे सिंगिंग गुरु पंडित विद्या सागर जी भी मौजूद है। तो अब मुझे लगता है कि काफ़ी उतना मुश्किल नहीं होगा हमारे लिए, बहुत आसान होगा, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। और इसके बाद कपिल शर्मा जी, आप बताएं आज का जजमेंट कितना ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि 80 से ज़्यादा कंटेस्टेंट है और पर्सनली आपके हिसाब से, क्योंकि इससे पहले थोड़ा सा ढील रखी गई थी, सबको मौका देना हम चाहते थे ताकि मेगा राउंड तक बच्चे पहुंचे, लेकिन अब किस तरह की मार्किंग होने वाली है और किस तरह का टैलेंट अब यहां से जाने वाला है टीवी राउंड के लिए? अब बहुत क्लोज होगा ये, क्योंकि अभी तक मैं और रमेश जी इसी बात पे डिस्कस चली थी हमारी, तो काफ़ी हद तक हमने रूपरेखा तैयार कर रखी है, अब देखते हैं लास्ट वेन्यू से जो भी गा के आए हैं। और शुरुआत करते हैं सबसे पहले ऑडिशन वेन्यू, निर्मल ऑडिशन वेन्यू के साथ, और वहाँ के अलग अलग ग्रुप्स हमने तैयार किए हैं अलग अलग ऑडिशन वेन्यू के, और उन ग्रुप्स के हिसाब से उनको अलग अलग गाने तैयार करने को दिए गए हैं और हमारी ऑर्केस्ट्रा टीम बिल्कुल तैयार है सर का बैंड। और शुरू करते हैं कंटेस्टेंट के साथ, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा राउंड है, मेगा राउंड है, तो यहाँ पर सुर ताल और बहुत सारी चीजें यहाँ पर नोटिस की जाएंगी, मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। शुरू करते हैं निर्मंड के ग्रुप्स के साथ और सबसे पहले बुलाने जा रहा हूँ ऋतिक ठाकुर, अभिषेक शुक्ला, साक्षी, मीनाक्षी, सचिन और विनोद। वॉइस ऑफ कुल्लू, ये मेरा जमाना है, वॉइस ऑफ कुल्लू, सोच की सिंगल को तोड़ के भागा मैं दौड़ के जंगल, जहाँ बहुत से दानव है, मौत से ना डरू बोलते पागल है, बहुत से रैपर पर मुझसे न पावर है, पहाड़ों पे है सुर का सरगम, कोयल भी करती है कुकू, जंगलों में भी गीत बहे, पीठ पे झूम रुका है तू क्यों, वॉइस ऑफ कुल्लू, ये मेरा जमाना है, वॉइस ऑफ कुल्लू, सुनो सुनो पर्वत की गूंज, वॉइस ऑफ कुल्लू, ये मेरा जमाना है, वॉइस ऑफ कुल्लू।
नशा मुक्त हिमाचल वॉइस ऑफ कुल्लू के टीवी राउंड के कंटेस्टेंट हमें मिल चुके हैं। फोक में जिन कंटेस्टेंट ने अपनी प्रतिभागिता दर्ज करवाई थी उनमें से चयनित किए गए हैं 24 कंटेस्टेंट जो डायरेक्ट एंट्री ले रहे हैं टीवी राउंड में। और स्टैंड बाय में बहुत सारे कंटेस्टेंट रखे गए हैं जिनमें से बहुत सारे कंटेस्टेंट अंदर आ सकते हैं, मतलब वाइल्ड कार्ड एंट्री के थ्रू उनको लिया जाएगा टीवी राउंड में। और अगले एपिसोड के साथ हम मिलेंगे हिंदी राउंड में जिसमें कि हिंदी में प्रतिभागिता दर्ज किए हुए जो कंटेस्टेंट है उनका चयन होगा। उसमें भी 20 कंटेस्टेंट को चयनित किया जाएगा टीवी राउंड के लिए। और स्टैंड बाय में भी उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। स्टैंड बाय का मुझे लगता है शायद बहुत सारे कंटेस्टेंट को मतलब पता नहीं लग रहा, तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं। स्टैंड बाय का मतलब ये है कि आपने अच्छा गाया है लेकिन आपके वीडियो फुटेज देखने के बाद और आपका डिसीजन लिया जाएगा। थोड़ी सी कंफ्यूजन यहां पर हो जाती है और उस कंफ्यूजन को दूर करने के बाद महागुरु और जजेस बैठेंगे और आपके वीडियो फुटेज को देखने के बाद फिर से जो स्टैंड बाय के कंटेस्टेंट है उनमें से टीवी राउंड के लिए बहुत सारे कंटेस्टेंट और चयनित किए जा सकते हैं। अगले एपिसोड में हम मिलेंगे हिंदी राउंड के साथ, मतलब हिंदी कंटेस्टेंट जो कि हिंदी के प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभागिता दर्ज करवा चुके हैं उन कंटेस्टेंट का मुकाबला होने वाला है अगले कंटेस्टेंट में। तब तक देखते रहिए 9+ चैनल। सोच की सिंगल को तोड़ के भागा मैं दौड़ के जंगल जहाँ बहुत से दानव है मौत से ना डरू बोलते पागल है बहुत से रैपर पर मुझसे न पावर है। पहाड़ों पे है सुर का सरगम कोयल भी करती।